तो एक बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरीके से प्रोमोज़ दिख रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है बहुत प्यार से बनाई गई फिल्म लग रही है uh, और मेरा आई वॉज आई थिंक ब्रॉट इन टू द फिल्म इन द मिडल ऑफ द शूटिंग जब मेरे को अक्षय सर ने बोला कि यू नो वी नीड अ सॉन्ग विच इज़ अ पीरियड पीरियड फिल्म है तो पीरियड फिल्म के हिसाब से जैसा रेट्रो साउंड होता है जहाँ पे बहुत सारे सैक्सोफोन्स फ्लूट्स ट्रम्पेट्स वगैरह यूज़ होते हैं तो जो जी म्यूज़िक के जो हेड हैं मिस्टर अनुराग बेदी ही ऑलरेडी ऑफकोर्स नोज दैट आई प्ले मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स तो मेरे लिए ये गाना uh, बहुत अच्छा रहेगा करना एंड आई वुड बी एबल टू डू जस्टिस टू द सॉन्ग सो मैं जाके अक्षय सर से मिला uh, उनकी शूट के दौरान रोस्म की ही शूट चल रही थी और उन्होंने बहुत पेशेंटली मेरे साथ बैठ के करीब डेढ़ uh, दो घंटा स्पेंड किया अपनी वैनिटी में फिर उसके बाद uh, uh, उनकी गाड़ी में लेके गए गाने सुनाए कुछ रेफरेंसेज सुनाएं कि, कि किस टाइप का म्यूजिक होना चाहिए उस टाइप में उस एरिया में क्या म्यूज़िक चल रहा था Uh, तो वो सब अब्ज़ॉर्ब करने के बाद मैं स्टूडियो में आया हम तीनों ने बैठ के मैं अनुराग और uh, मनोज हम सब ने बैठ के uh, एक गाना क्रैक किया जिसके लिरिक्स uh, बिल्कुल एप्ट हैं ये पूरा का पूरा रुस्तम का कैरेक्टर है जो वो पूरा डिफाइन हो जाता है इस गाने से एंड वी वेंट टू अक्षय सर्स हाउस आफ्टर वीक और जाने के वक्त हम लोग अपने सिस्टम्स वगैरह साथ लेके गए सारा म्यूज़िक सिस्टम कि कहीं ऐसा ना हो वो लैपटॉप पे सुन लें या कहीं ऐसे सिस्टम पे सुन लें जहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं आए

जो अक्षय सर का ब्रीफ था वो बिल्कुल बिल्कुल बैंग ऑन ब्रीफ था जिस तरीके से उनको चाहिए था एक रेमिनेसिंग फीलिंग होनी चाहिए क्योंकि एक पीरियड फिल्म है तो ऐसा लगना चाहिए कि उस टाइप के उस इरा का गाना है तो फनी इंसिडेंट आज सच कुछ नहीं था खाली हम लोग जब गए लेके स्पीकर लेके गए तो बड़े हंसने लग कि आप आए हैं और आप नॉर्मली बंदा कोई पेन ड्राइव लेके जाता है या फ़ोन लेके जाता है तो हम पूरा का पूरा ताम उठा के तीन चार लोग ऊपर चढ़ के सीढ़ियाँ सामान लेके गए और उनको सुनाया तो काइंड शॉक शॉक कि ये कितने प्रिपेयर्ड आए हैं सबके सब एंड सब, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स uh, भी थे सब लोग एक लाइन में बैठे हुए थे लिटरली और अक्षय सर सुन रहे थे और उन्होंने सुना पहली बार और एज अड ही फैंटास्टिक देन दूसरी बार सुना तो गाने लग गए साथ में ही देन ही वॉज सिंगिंग लाउडली इन द हाउस तो तो बहुत मजा आया देख के उनको पर पर यू नोन यू <coughs> एक वो छाप होती है वो लाइव म्यूजिक म्यूजिक की हमेशा से ही आपके में does that make it easy for you to compose for uh, rustam song actually live instruments uh, बहुत interesting होते हैं क्योंकि हर एक instrument का एक अलग अपना backing होती है for example अगर मैं uh, एक romantic गाना कर रहा हूँ uh, compose कर रहा हूँ तो मैं शायद piano पर करूँ शायद guitar पर करूँ लेकिन जैसे ही मैं saxophone उठाऊँगा I will play something which is completely different जैसे ही मैं flute उठाऊँगा I would play something which is very flute centric तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जब गाना बनाना होता है जिस टाइप का गाना बनाना होता है मैं लिटरली उस इंस्ट्रूमेंट के पास चले जाता हूँ कि अब ये रेट्रो गाना था तो मैंने सैक्सोफोन उठा के इमीजिएटली मेलडी बना दी तो वो बन गया दिमाग में आ गया एंड इट वॉज कैची मेलडी देन उसके इर्द गिर्द सारा फिर कंपोज हुआ अरेंज हुआ जो उस टाइप के साउंडस थे उस टाइम पे जो साउंडस थे ड्रम का साउंड भी आप सुनेंगे बेस का साउंड भी आप सुनेंगे तो जब जो उस टाइम पे साउंड था जो नाइनटीन सिक्सटीज़ का साउंड था वो बहुत ध्यान रखा गया है कि ऐसा कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं आना चाहिए यहाँ पे जो जैसे अभी मॉडर्न म्यूजिक का एलिमेंट है फ्लूट यूज हुआ है गिटार एक बड़ी अलग तरीके से नॉर्मल गिटार की तरह यूज नहीं किया है उसको हमने ट्रिमेलो गिटार बोलते हैं तो जो स्टार्ट है साथ एंड ट्रम्पट अफ टोलो इन अक्षय okay, so 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 सर तो फर्स्ट थिंग उनसे तो बड़ा तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है एंड उन्होंने इतना उनको पसंद आया कि जो जब पिक्चर रिलीज के तीन चार महीने पहले जब जी अवार्ड हुए तो उन्होंने इसी गाने परफॉर्म किया अवार्ड्स पे भी एज अ प्री दिखाने के लिए जो गाना और uh, तो मेरे लिए इससे खुशी की बात है ही नहीं कि ऑलरेडी इस गाने का इसी गाने पे सर ने दोबारा मराठी चैनल पे भी परफॉर्म किया मराठी शो पे तो मेरे को बोला गया कि आप मराठी वर्जन भी बनाएं तो अगर आप देखेंगे कि ये गाने का और थीम जो है वो बहुत पर्टिकुलर uh, थीम है तो वो थ्रू आउट द फिल्म दे हैव यूज ट्वाइस इन द फिल्म तो मतलब कॉम्प्लीमेंट मैं क्या बोलूँगा वो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि चार बार चार वर्जनस हैं गाने के दो बार फिल्म में आ रहा है

एक्चुअली रुस्तम अगर आप देखें तो इज़्स अ वेरी क्लस क्लटर ब्रेकिंग सॉन्ग क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो नॉर्मली हो रहा है जैसे आप रोमांटिक गाना सुने जा रहे हैं एक के बाद एक आ रहे हैं आइटम नंबर भी आ रहे हैं डांस म्यूज़िक भी आ रहा है तो वो तो एक टिपिकल फॉर्म चल रहा है कि चलिए आज ये रिलीज़ हो गया चलिए आज वो रिलीज़ हो गया एटलीस्ट रुस्तम का ये है दैट इट्स अ क्लटर ब्रेकिंग सॉन्ग एंड अ स्टाइल ऑफ म्यूज़िक बेईमान लव का जो गाना है वो उसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है क्योंकि वो पाँच साल से मेरे पास था गाना और पाँच साल तक जो गाना था वो था एक पंजाबी वर्जन था जो मेरी आवाज़ में था उसका बड़ा अलग सा एक जायज़ सा वेरिएशन था जो मैं अब जाके शूट कर रहा हूँ लेकिन आ, आ, मैंने और अनुराग फ्रॉम जी म्यूज़िक अगेन ही लव दू ही सेट कि यार इसको हम बनाते हैं कुछ जो आ, सनी लियोनी के ऊपर चले जाए या ऐसा कुछ बेबी डॉल टाइप सिचुएशन हो जाए तो फिर मैंने उसको उस तरीके से अटैम्प्ट किया गाने को एंड इट साउंड्स वेरी नाइस एंड शी इज़ डन अ फैबुलस जॉब वी गॉट कनिका ऑल्सो टू कम इन सिंग मैं उसके साथ गाया है मेल पार्ट भी कनिका के साथ में लेकिन अब आप देखेंगे कि ये जो ओरिजिनल पाँच साल पहले वाला जो था वर्जन वो मैं अब शूट सो हाउ इज इज इट 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 गोना 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 बी बी डिफरेंट फ्रॉम दैट और यू मेक मोर इट्स उससे हगमी जो ओरिजिनल आप सुन रहे हैं और जो मेरा सुनेंगे उसमें बहुत फ़र्क है क्योंकि उसमें अरेंजमेंट ही अलग है पूरा कंप्लीटली इट्स गोइंग टू बी मोर जैज सेंट्रिक मोर सैक्सोफोन फ्लूट जो मैं करता हूं जो आप लोग पसंद करते हैं देखना वही करने वाला हूं दोबारा से और Uh, उसका वीडियो शूट होगा एंड इट विलिजिनल फॉर अ लॉन्ग टाइम मैं अपने म्यूजिकल जर्नी मेरी चली रही है मेरे कॉन्सर्ट बहुत हो रहे थे और मोर देन एनीथिंग एल्स डूंगिक तो मेरा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जैसे अभी गुलाबी आँखें किया था मैंने कुछ टाइम पहले आई रिसेंटली डिड बैंग बैंग उसमें आई लाइक डूइंग थिंग्स विच हैव सम मीनिंग विच शो केस इज़ माई टैलेंट तो बैंग बैंग का जो मैंने रिक्रिएशन किया था दैट वॉज़ टेन इंस्ट्रूमेंट्स इन वन मिनट कि हर एक पार्ट पे मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहे हैं तो दस इंस्ट्रूमेंट्स आप एक मिनट में कैसे शो करेंगे वो कॉन्सेप्ट था um, जब मैंने uh, ये लड़का हाय अल्लाह किया था तो उसमें नीति को फ़ीचर किया था नीति मोहन को कॉन्सेप्ट वॉज कि हम स्कूल में हैं आप स्कूल में आप डेस्क होता है डस्टर से आप ब्लैक बोर्ड रब करते हैं हर एक चीज़ की एक साउंड होती है आप पेज टर्न करते हैं उसकी साउंड होती है तो हाउ दोज साउंड बिकम म्यूजिक रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो शूट किया है मेरे सपनों की रानी का री रीमेक जो मैंने क्रिएट किया है उसमें सब कुछ गोल्फ़ रिलेटेड है सो ऑल द सॉन्ग साउंड दैट यू कैन हियर ऑन अ गोल्फ कोर्स वो सब मिक्स करके रिदम सारा गोल्फ का है तो व्हेन यू सी विल नो व्हाट आई मीन आई वु मोर देन एनीथिंग एल्स आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो अगर कभी ऐसा का मौका आता है जहाँ पर मैं म्यूजिशियन का रोल या एक रॉक का रोल या पॉप स्टार का रोल प्ले कर रहा हूँ या फिर कोई भी म्यूजिक रिलेटेड इफ एम अ टीचर एनीथिंग थिंग फॉर देट मैटर आई वुड लव टू प्ले समथ बट आई डोंट वॉन्ट टू स्पेसिफिकली गो इन टू एक्टिंग जहाँ मैं कैरेक्टर्स प्ले करने शुरू कर दूँ समथिंग दैट आई एम ऑलरेडी विच इज इन माई सिस्टम आई कैन डू दैट इट इज टू लाइन अजन भी दुश्मन भी दोस्त भी जान देके मिले जान लेके मिले प्यार तो प्यार है चाहे जैसे मिले किसे है फिकर गलत क्या सही जो जीता यहाँ है रुस्तम वही थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू